सवाल आ रहा है कि सर के लाइब्रेरी में कौन से क्या टाइटल की किताब है, उनका ऑथर का नाम है, तो इस तरह की एक ही इतना बड़ा वास्ट हम नहीं बता पाएंगे एक ही समय में। तो अगर आप सर की कॉस्मोहुमेनिज्म किताब अगर परचेस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसके बिब्लियोग्राफी में, इंडेक्स में आपको तमाम जो दुनिया के टॉप मोस्ट थिंकर है, जो बुद्धिजीवी है, उनकी किताबों का नाम, उनके ऑथर का नाम, या इसके पहले भी जो किताबें सर की पब्लिश हुई उसमें आप देख सकते हैं। तो आपको ये चीजें आसानी से मिल सकती है। हम लाइव में इतना लंबा क्वेश्चन आपका नहीं बता है, पाएंगे। फिर भी इनकी जिज्ञासा है हाँ तो तो ऑथर से मत पूछिए। सिर्फ मैं इतना बोल सकता हूँ कि भारत की जो पर्सनल लाइब्रेरीज हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की जो भी लाइब्रेरीज होगी, तो उसमें की एक लाइब्रेरी है, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, और मैक्सिमम बुक्स इंग्लिश में है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर नॉलेज मिलाना चाहते तो इंग्लिश को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, हिंदी हमारी राज्यभाषा है, पर अमित शाह जी उसको, हिंदी को सबको देश पे थोप देने से काम नहीं बनेगा। इंग्लिश को हिंदी को एनकरेज करो, शायद धीरे धीरे लोग उसका एक्सेप्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश प्रमोट होनी चाहिए साथ में, तब नॉलेज बढ़ेगा देश का। तो मैक्सिमम बुक्स इंग्लिश में, ऑफकोर्स हिंदी वगैरह मराठी में भी है, लेकिन बहुत कम है। और वर्ल्ड लेवल की बुक्स है, इंडिया और वर्ल्ड लेवल की बुक्स है, तमाम सब्जेक्ट्स की बुक्स है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के किसी भी एरियल एंटीना की पर्सनल लाइब्रेरी देश में आज विजय मानकर से जो है वो बेस्ट नहीं है। और ये एक दिन नहीं है, 29 साल की साधना है, और बड़ी साधना करके, बड़ी मेहनत करके ये चीज़ों को प्राप्त किया है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज अटेन किया है, तो उसको, उसके आधार पर देश की सेवा करूँ, मानवता की सेवा करूँ, देशवासियों की सेवा करूँ, यदि आप मौका दे तो। कहाँ मिलेगी, ये सवाल है। किताब की प्राइस क्या है, तो इस तरह के सवाल है। क्या वो लैंग्वेज डिफर है? करता है, लैंग्वेज तो इंग्लिश मैंने बता दी आपको। मैक्सिमम बुक्स अगर आपको करना है तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। हिंदी में कुछ बुक्स है, लेकिन हिंदी में लैंग्वेज का बैरियर है, तो नॉलेज बहुत कमज़ोर हो जाता है। इंग्लिश में यदि आप बुक्स पढ़े तो नॉलेज अच्छा डेवलप होता है। एक तो लैंग्वेज को लेकर ये मैं कह सकता हूँ। बुक्स के प्राइसेस वेरी होते हैं। आपको बुक्स अगर स्टैंडर्ड लेना है तो अपने देश के अंदर में दिल्ली एक बहुत बड़ा सेंटर है, फिर चेन्नई बहुत बड़ा सेंटर है, बेंगलोर एक सेंटर है, कलकत्ता एक बहुत बड़ा सेंटर है, तिरुवनंतपुरम एक सेंटर है, मुंबई एक सेंटर है। तो ये तमाम जगहों पर अलग अलग बुक्स आपको मिल सकती है। अब्रॉड की बुक्स अगर चाहिए तो फिर आप अमेजोन पे बहुत सारी बुक्स है जो है वो अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, या तमाम डाइवर्स जगहों से आपको प्रोक्योर करना पड़ता है, और आपको लेटेस्ट पब्लिकेशन लेना चाहिए और वर्ल्ड के स्टैंडर्ड ऑथर्स की लेना चाहिए, तब जाके लाइब्रेरी रिच होती है।